साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका ड्यूटी बेट जीआरएफ, जो कि आपका 13 तारीख को एग्जाम शेड्यूल है और इसकी एडमिट कार्ड आ गया है, जो कि आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली एडमिट कार्ड और उस दिन आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तो दो पहलुओं पर हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो इस बात पे बात करेंगे कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम उस पार्ट को देखेंगे, बाकी एग्जाम के डे आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या क्या चीजें आपको करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, मैं बता दूं आपका जो कि गैट भी और बेट का एग्जाम एक साथ ही है। जो बच्चे एमएससी बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए गैट भी का एग्जाम है, जो कि आपका मॉर्निंग में होगा, और डीबीटी जीआरएफ का जो एग्जाम है वो आपका आफ्टरनून में होगा, 3 से 6 बजे तक आपका डीबीटी बेट का एग्जाम होगा। तो जब आपने डाउनलोड किया होगा तो इस तरीके से आपको दिखा होगा, जैसा कि आपका एग्जाम डेट जो है वो आपका 13 मई है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है, यानी कि आपको एक समय बताया गया है कि आप इस टाइम तक एंट्री कर लीजिए, और वो टाइम जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का 1:30 बजे का है, तो होपफुली आपका भी 1:30 के आसपास होगा। अगर आपका कोई अलग टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर पे पहुंचने का प्रयास करिएगा। और एक चीज मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि किसी भी तरीके की लापरवाही यहाँ पर मत बरतिएगा कि हम देर से पहुंचेंगे और आराम से पहुंचेंगे और वो हमको एंट्री दे देंगे। तो किसी भी तरीके की अगर आप सीरियस है, क्वालिफाई करना चाहते हैं, और किसी भी तरीके का आप 0% अगर आप हिंड्रेंस करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप चाहते हैं कि कोई भी आपको दिक्कत ना आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये करना होगा कि टाइम से पहुंच जाइए। जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसका आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको काम करना है वो आपको ये करना है कि आपको 1:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ पे आपको पहुंच जाना है। इसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो आपका क्या है, 2:30 PM का जो आपका दिया गया है कि 2:30 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो गेट क्लोज कर दिया जाएगा और आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहां पे बच्चों की लापरवाही कह लीजिए, किसी भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि लापरवाही है, किसी भी अनयूजुअल कारण से भी आपके जो हो सकते हैं कि आप देर से पहुंचे, तो ऐसी चीजों को मिनिमाइज करने का तरीका यह है कि जितना से ज्यादा अगर आप अपने वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यानी कि एटलीस्ट 2 घंटे का मार्जिन लेके चलिएगा अपने घर से जब सेंटर के लिए निकलेंगे, ताकि किसी भी हालत में अगर ऊपर नीचे होता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, या अभी ASRB का एग्जाम था तो दिल्ली में लोगों ने कहा कि उनके मेट्रो में प्रॉब्लम हुई या स्टेशन में प्रॉब्लम है, तो कुछ भी एक्सपाइज रीजन जो भी हो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप टाइम से निकल जाइएगा। एटलीस्ट 2 घंटे का मार्जिन आपको रखना है। 2:30 बजे गेट आपका क्लोज हो जाएगा और बाकी जो टेस्ट की टाइमिंग है वो आपकी 3 बजे से 6 बजे तक आपका एग्जाम होगा। बाकी अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो आपका जब आपने इसको डाउनलोड किया होगा तो वहां पे एक दिया गया है, यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट को अपनी फोटो चिपकानी है, जो कि सेम चिपकानी है अपलोड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई है डीबीटी जीआरएफ के एग्जाम को फिल करते समय फॉर्म को, वही फोटो यहाँ पे आपको अपनी चिपकानी है, ठीक है। तो उसका निकलवा लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि सेम फोटो निकलवाइएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आपको फोटो लगाना है ये आपको एफिक्स करना है जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे, ये नहीं कि घर से लगा के जाएंगे, हालांकि लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो यहाँ पे कहा गया है उस चीज को फॉलो करिएगा, ठीक है। बाकी फोटो में अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका एक क्वेरी ये भी है कि अगर मेरे पास फोटो सर वो नहीं है तो मैं क्या करूं, तो ठीक है, ऐसे केसेस में अपना रिसेंट फोटो ले जा सकते हैं, बट जहां तक पॉसिबल हो किसी भी तरीके के बवाल से बचने के लिए अपनी एनर्जी को फर्जी चीजों में लॉस ना करें, इसलिए जो सेम फोटो है उसी फोटो को लेकर जाइएगा। यहाँ पर आपका थंब, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे लगेगा, और वो आपके जो इन्विजिलेटर होंगे उनके पास प्रक्रिया होगी, लगाने का सिस्टम होगा, तो वो आपका लगवा देंगे। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ इन्विजिलेटर। इसके बाद ये सारी चीजें जो है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट द कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, तो ये कहानी को आप समझेंगे। इसके बाद अगर मैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ, तो जिस टाइम पर आपको कहा गया है रिपोर्टिंग टाइम पर, उस टाइम पर आप पहुंच जाइएगा। ये साफ साफ इस बात में बोल रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम जो इंडिकेट किया गया है। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है कि गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आप पहुंचे और वहां पे दिक्कत हो आपको। इसके बाद
नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा आप उस एग्जामिनेशन हॉल को नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद जब तक इन्विजिलेटर नहीं कहेगा तब तक आपको अपने सीट से नहीं हटना है, ठीक है। इसके बाद रिक्वायर टू डाउनलोड, जो भी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, एडमिट कार्ड आपका 2 पेज का है जिसमें आपके सेंटर के डिटेल है और page 2 में आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, और दोनों ही पेज आपको डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेज को डाउनलोड करिएगा। कैंडिडेट अपेयरिंग इन बोथ गेट बी एंड बेट आर डायरेक्टेड टू टेक 2 प्रिंटआउट ऑफ एडमिट कार्ड। तो खैर वो तो अगर आपने एक ही एडमिट कार्ड, एक ही फॉर्म भरा है तो आप एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, और नहीं तो अगर आप दोनों का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 2 एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, ऑब्वियस ही बात है, इसके बेसिस पे आप कोई ऐसा नहीं है कि आप इलिजिबल हैं, मतलब आपको GRF मिल ही जाएगा, तो आपको पेपर क्वालिफाई करना होगा। बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू, एक दिन पहले ही जाके आप देख लीजिए ताकि आपको उस मौके पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरा भी सजेशन रहेगा, अगर आपके आसपास या कहीं पर भी जहां पे आपको लगता है सेंटर है, तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले उस सेंटर या उस लोकेशन पे पहुंचने का प्रयास करिएगा, 1 day before। सपोज दैट अगर आपका सेंटर कानपुर, इलाहाबाद कहीं पर भी गया हुआ है, तो एक दिन पहले पहुंच जाइए ताकि एक स्टेबल माइंड के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, ताकि बहुत ज्यादा मतलब हबड़ तबड़ की स्थिति ना हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, 3 बजे से एग्जाम है DBT वालों का, तो वो अगर मॉर्निंग में भी निकलना चाहे तो जा सकते हैं, बट फिर भी अगर आप जितना भी अपने दिमाग को स्टेबल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा कोई भी रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक एटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थ्रो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है या अंडरटेकिंग नहीं है और आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, अब इस आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी हो जाएगा, पैन कार्ड भी हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा, एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग इसके साथ ही आपको जाना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स एंड देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में ले जा सकते हैं, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर की बॉटल ले जा सकते हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो टेबलेट ले जा सकते हैं, फ्रूट्स ले जा सकते हैं, एक आपको अपना बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कैलकुलेशंस आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ भी अगर आपको लिखना पड़ना है तो पेन लेकर जाइएगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर जाना है। इसके अलावा जो कि आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे दी गई है कि 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है, जो अटेंडेंस शीट पे आपको भरना होगा, और अपनी ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, ऐसा नहीं है कि उसकी फोटोकॉपी लेकर जाइएगा, जो भी आप लेकर जाएंगे आधार कार्ड या पैन कार्ड उसकी ओरिजिनल फोटोकॉपी लेकर जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर रिक्वायर डिटेल्स इन द सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह आपको लिखना होगा, वो सारी चीजें वहां पे देंगे तो आप कर लेंगे। इसके अलावा लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी आईडी की फोटोकॉपी नहीं होगी, तो यानी कि जो आपको मैंने बताया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आधार कार्ड में फोटोग्राफ भी होना चाहिए, तो ये आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कोई मोबाइल फोन में दिखा दें कि ये मेरा आईडी कार्ड है, तो उस सबसे नहीं माना जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है उसमें मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपको नहीं लगा के जाना है, या मोबाइल फोन आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं ले जा सकते हैं, या फिर उसके सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है वो सेंटर नहीं लेता है। तो बहुत ज्यादा कम सामान लेकर जाइएगा, और ऐसा कहा भी जाता है जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अपने एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा चीजों को मत फैलाइएगा कि इसको भी रख ले उसको भी रख ले, वहां पे क्लॉक भी चलेगी तो घड़ी वड़ी भी आपको ले जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बताया गया है कि शूज, फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ब्लैंक पेपर सीट्स फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो एक ब्लैंक पेपर आपको दिया जाएगा जिसपे आप रफ वर्क कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसपे आप अपना रोल नंबर, नेम डालेंगे टॉप पर, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ेंगे तो आप वहां पे उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, डलीफाइड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप इन डेजिनेटेड ड्रॉप बॉक्स वगैरह वहां पे होगा, तो अगर आपसे कहेंगे कि एडमिट कार्ड छोड़ जाइए तो वो उसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद कोई भी अनफेयर मीन्स में अगर आप देखे जाते हैं तो आपको
दरखास्त कर दिया जाएगा, मतलब कोई भी वहां पे सीसीटीवी फुटेज होगा, जो भी चीजें होगा, तो कोई अनएथिकल एक्टिविटी मत करिएगा, ये सारी कहानी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेज पे पाए जाते हैं, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। बाकी आप रेगुलर एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो ये सारी कहानी हो गई। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जल्दी पहुंचना है, 2 घंटे का टाइम मार्जिन लेके निकलिएगा, टाइम से सेंटर पे पहुंच जाइएगा। उसके बाद फोटोग्राफ आपको निकलवाना है, 2 फोटोग्राफ निकलवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको वाटर बॉटल हो गया, बाल पॉइंट पेन आपको एक लेकर जाना है, एडमिट कार्ड के साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर जाना है, और 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होगा वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई है। आईडी प्रूफ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, और एक ब्लैंक पेपर आपको वर्क करने के लिए दिया जाएगा जो भी आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग करिएगा। बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन, और बाकी कोशिश करिएगा कि जैसे घड़ी है, बेल्ट है, ये सब चीजें वहां पे उतरवा भी लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऐसी चीजों को प्रयास करिएगा कि ना ही इस्तेमाल करिए तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट रह गया हो जो मैंने नहीं सॉर्ट आउट किया हो, कोई भी अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, तो उसको आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, जिसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।